हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो साल का ये बहुत उत्तम समय है, इसे ध्यान में रखकर मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धि हो और जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। ये ऐसे संकल्प हो सकते हैं जिन्हें अगले दो साल में गति दी जाए, मिलकर के पूरा किया जाए। जैसे एक संकल्प हो और हो सकता है हमें बेटी को पढ़ाना है, हमें हमारी बेटियों को स्किल डेवलपमेंट के लिए भी तैयार करना है, अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं वो एक दो गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएं। एक और संकल्प हो सकता है पानी बचाने के लिए हमें अपनी नदियों को, गंगा जी को, सभी जल स्रोतों को स्वच्छ रखना है। इसके लिए भी आपसे संस्थान द्वारा नए अभियान शुरू किए जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, देश आज प्राकृतिक खेती पर बल दे रहा है, इसके लिए लाखों लाख किसान भाई बहनों को प्रेरित करने में भी आप सब बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। हमें अपने आसपास सफाई स्वच्छता का भी विशेष ध्यान देना है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर गंदगी न फैले, ये ध्यान रखना है। परमात्मा के नाम से आपको कोई न कोई सेवा का ऐसा कार्य भी जरूर करना है जिसका लाभ पूरे समाज को हो। मुझे विश्वास है इस पवित्र अवसर पर संतों के आशीर्वाद से ये संकल्प जरूर पूरे होंगे और नए भारत के सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी का मैं आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण पवित्र अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला, इस पवित्र स्थान का दर्शन करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूं। हर हर महादेव।